हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रूपा की रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आइसक्रीम की रेसिपी। मैं यहाँ पे वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ। अभी तो गर्मी का मौसम है फ्रेंड्स, और लॉकडाउन भी है, तो हम लोग बाजार से खरीद के नहीं खाते हैं, इसलिए आज हम घर पर बना रहे हैं। तो घर पर बनाइए और आइसक्रीम के मजे लीजिए। यहाँ पे मैं वनीला आइसक्रीम बनाई हूँ, तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। देखिए ये कितनी टेस्टी दिख रही है, कितनी मजेदार है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखा भी रही हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है, देखिए, और बहुत ही अच्छी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 1.5 कप दूध ले ली हूँ। इसे थोड़ा मैं गर्म होने दूंगी और इसमें मैं 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा चीनी डालूंगी। अब इसके बाद मैं इसे, चीनी डालने के बाद इसमें मैं मध्यम आंच पे गर्म करती रहूंगी जब तक ये गर्म ना हो जाए, खौल ना जाए। तो देखिए, मैं यहाँ पे चीनी डाल दी हूँ 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा। अब इसे मैं मध्यम आंच पे होने देती हूँ जब तक ये खौलने ना लगे। देखिए, अब ये हो गए हैं, खौल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं 1 कप में 1/2 कप दूध ले ली हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी, 2 छोटी चम्मच डालना है कॉर्नफ्लोर डालूंगी मैं। इसे मैं अभी ठंडी दूध में डाली हूँ, इसे गर्म दूध में नहीं डालना है, बिल्कुल नॉर्मल दूध में डालना है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी जिसमें कि कोई गांठें ना रहे। और यहाँ पे जब ये दूध उबल रहे हैं, तो इसमें मैं उबले हुए दूध में धीरे धीरे डाल दूंगी। डालने के बाद फ्रेंड्स, ये तुरंत ही गाढ़े होने लगते हैं। देखिए, ये अब धीरे धीरे गाढ़े होने लगे हैं। इसे मैं चलाती जाऊंगी, रुकना नहीं है, चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे में सट जाएगा। तो इसे हम चलाते रहेंगे। अब देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। अब देखिए, ये चम्मच में दिख रहा है कि ये परत जैसा हो गया है। तो अब इसे हम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। अब देखिए, ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम मिक्सी में डालेंगे और यहाँ पे मैं 1/2 कप ताजी मलाई ले ली हूँ, जो घर की बनी हुई दूध में जो निकली है, उसमें मैं 1/2 कप ताजी मलाई ले ली हूँ। इसे मैं भी डाल दी और मैं 4-5 बूंद वनीला एसेंस की डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ, तो 4-5 बूंद वनीला की डाल दूंगी। अब इसे मैं मिक्सी में चला ली हूँ और अब ये एक डब्बा मैं ले लूँगी जो कि जिसका ढक्कन एयर टाइट हो, और इसमें मैं डाल दी। और एक प्लास्टिक इसके ऊपर से लगा देना है, आप एल्युमिनियम पेपर भी लगा सकते हैं या कोई भी प्लास्टिक हो जो इसके ऊपर लगा देंगे। और इस तरह से लगाना है कि ये आइसक्रीम पे सटा रहे, इस तरह से आइसक्रीम में ये चिपका रहे, जिससे कि इसके ऊपर बर्फ नहीं जमेंगे और ये बिल्कुल कड़े नहीं होंगे। तो अब ये देखिए, मैं इसे 4-5 घंटा के लिए फ्रिज में रख दी थी। 4-5 घंटा होने के बाद ये थोड़ा जम गया है। अब मैं फिर से इसे एक बार मिक्सी में चला दूंगी जिससे कि ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मैं निकाल के इसे 1 मिनट
पूरी अच्छी तरह से चला दूंगी। अब देखिए मैं इसे चला दी हूँ, अब फिर से इसे मैं उसी डब्बे में बंद कर दूंगी और प्लास्टिक उसी तरह से लगा दूंगी और फिर 7-8 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख दूंगी। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा टूटी फूटी भी डाल दी हूँ जिससे टेस्टी और ये हो जाएगा, टूटी फूटी का टेस्ट भी आ जाएगा। अब मैं उसी तरह से प्लास्टिक लगा दूंगी जिससे ये आइसक्रीम पे चिपका रहे और इस पे बर्फ ना जमे। फिर इसे मैं 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। अब ये देखिए मेरा 7-8 घंटा हो गया, अब ये पूरी तरह से जम चुका है। इसके ऊपर मैं फिर से टूटी फूटी डाल दे रही हूँ सजावट के लिए कि देखने में ये सुंदर लगे। आप इसके ऊपर पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। अब देखिए इसे मैं काट के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल कड़े हो चुके हैं, पूरी तरह से जम गए हैं। अब इसे देखिए 1 मिनट हवा लगने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए। देखिए कितना अच्छा बना है, अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा और आप ज़्यादा खर्च भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आप घर पे तुरंत बना सकते हैं, कोई मेहनत नहीं है। और ये घर में आपके बच्चे को भी पसंद आएगा, बाजार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करके मुझे बताएं।